नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के क्वेश्चन थे कि क्या सच में हम अभी करेंटली, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों का लाइव टीवी जो एक्चुअली एक प्रॉपर ऑप्शन दे रखा है तो वहां पे नहीं चल रहा है। तो वैसे आप बहुत तरीके हैं लाइव टीवी चैनल देखने के, क्योंकि आपको 550 डिजिटल लाइव टीवी चैनल मिलते हैं, मल्टीपल ओटीटी एप्लीकेशन के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि ओटीटी बंडल पूरा मिलता है आपको। तो सब कुछ ट्राई करेंगे, डिटेल में जानेंगे, और ये आपको जियो सेट टॉप बॉक्स देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इसे मैं मेनली प्रोजेक्टर पे यूज करता हूँ, तो इसलिए यहाँ पे और यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि प्रोजेक्टर स्क्रीन पे थोड़ा सा अलग रेजोल्यूशन रहता है। तो यहाँ पे ये सबसे बेस्ट आपको इसलिए देखने के लिए मिलता है, इसके लिए बस मैं मंथली 200 रुपये पे करता हूँ। आप डिवाइस के लिए भी सोच सकते हैं या नॉर्मली लाइव टीवी चैनल के लिए कितने मिलते हैं सब कुछ देखेंगे, और मल्टीपल ओटीटी एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन, जो कि हॉटस्टार की बात करें, G5 की बात करें, सोनी लिव की बात करें, सन नेक्स्ट की बात करें, डिस्कवरी प्लस की बात करें, और नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम आपको इंडिविजुअल लेने पड़ते हैं, नहीं तो महंगे रिचार्ज, कम से कम 1000 रुपये से ऊपर के रिचार्ज पे आपको अमेजोन नेटफ्लिक्स देखने के लिए मिलता है। लेकिन अभी करेंटली बात करी जाए तो इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों को यही परेशानी आती है कि सर हम लाइव टीवी नहीं देख पा रहे, जैसे ही हम ओपन करते हैं तो ये दिखाता है। तो मतलब अभी आपके सर्कल्स के अंदर जो भी आपका मतलब टेलीकॉम सेक्टर का होता है तो वहां पे IPTV फैसिलिटी शुरू नहीं हुई है, नहीं तो कुछ जगह आपको ये देखने के लिए मिलते हैं जहां पे प्रॉपर तरीके से वर्क हो रहा है, लेकिन आपके सर्कल्स के अंदर यहाँ पे नहीं हुई है तो ये आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज आपके लिए सारे सोल्यूशन हम लेके आए हैं। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए, और आप भी चाहते हैं जियो एयर फाइबर अपने घर में लगवाना तो इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि अभी बहुत बेनिफिट चल रहे हैं, जिसमें कि आप अभी करेंटली प्लान लेते हैं तो 6 महीने का रिचार्ज करवाएंगे, 2 मंथ आपको फ्री मिलते हैं, 50 दिन जिसमें कि आपको अपग्रेडेड प्लान मिलते हैं, जियो धनाधन ऑफर चल रहा है, तो इससे अच्छा तो हमें देखने के लिए नहीं मिलता। ऊपर से आपका नॉर्मल नॉन स्मार्ट टीवी LCD मतलब टीवी है तो उसे भी आप स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यही इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। टीवी का इंटरफेस मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मतलब यहाँ पे HDMI से कनेक्ट कर रखा है, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आपको रिमोट देखने के लिए मिलता है। बात करें यहाँ पे, सबसे पहले चलते हैं लाइव JioTV Plus। JioTV Plus में भी आपको 550 लाइव टीवी चैनल मिलते हैं। बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कुछ इस तरीके से आते हैं, एक एक चैनल ढूंढने में परेशानी होती है, तो परेशानी ना हो तो उसके लिए प्रॉपर सोल्यूशन लेके आया हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे चैनल गाइड एक ऑप्शन आता है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो चैनल है अब आपको नंबर के हिसाब से देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे पार्टिकुलर नंबर आपको हर किसी चैनल का देखने के लिए मिलेगा इंडिविजुअल, तो जो आप देखते हैं जैसे कि यहाँ पे एंड पिक्चर की बात करें, HD नेशनल मतलब DD नेशनल की बात करें, स्टार प्लस की बात करें, स्टार भारत की बात करें, एंड HD जो नॉर्मली TV है एंड TV, तो वो आपकी मतलब देखने के लिए मिल जाता है। सोनी की बात करें, सब की बात करें, और यहाँ पे ये CHD कुछ नया आया है, NTV HD चैनल देखने के लिए मिलता है, ABP न्यूज देखने के लिए मिल जाता है, GTV HD देखने के लिए मिल जाता है, GTV हो गया, कलर्स TV HD हो गया, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर चैनल है और ज्यादातर यूज होते हैं, तो सबसे ऊपर ही देखने के लिए मिल जाते हैं। स्टार उस सब की बात करें, जी अनमोल की बात करें, सोनी पल की बात करें, तो ये सब आपको चैनल देखने के लिए मिल जाते हैं। मेनली जो ऊपर के चैनल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन मैं आपको दिखाने वाला हूँ सब कुछ कि कितने चैनल एक्चुअली मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम नीचे चले जाएं, चलते चले जाएं, तो मुझे लगता नहीं है कि आसानी से खत्म होंगे, क्योंकि बहुत सारे चैनल है। जियो जो क्लेम करता है वो 550 लाइव टीवी चैनल का क्लेम करता है, क्या वो क्लेम बिल्कुल सही देखने के लिए मिलता है? मैं कंटिन्यू नीचे चलता चला जा रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 चैनल, स्टार गोल्ड की बात करें, स्टार मैक्स की, सोनी मैक्स की बात करें, ये भी हमें देखने के लिए मिले, और जी सिनेमा आपका देखने के लिए मिल गया आपको, और मैं क्वालिटी बात करूं यहाँ पे जी सिनेमा, ये HD नहीं है, ऊपर वाला HD है, दोनों खोल के देख लेते हैं। तो नॉर्मल में आपको जो देखने के लिए मिलता है वो producing the TVS Apache RTR 165, मतलब क्वालिटी इशू है इसमें नॉन HD में, क्योंकि ये जो है वो 50 इंच का है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वालिटी इशू देखने के लिए मिलता है। और मैं बात करूं HD में, तो अब हमने HD में मूव कर लिया है, HD में क्या क्वालिटी देखने के लिए मिलती है, यहाँ पे आप भी गया जी सिनेमा HD, और रियली बहुत बड़ा फर्क है कि यहाँ पे आपको बहुत क्लियर दिखाई देता है।
अभी एडवर्टाइजिंग चल रही है, लेकिन दोनों क्वालिटी में फर्क था। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट, जो कुछ यहाँ पे ना इशू ये रहता है, जैसे कि लाइव टीवी में सिर्फ आपको मतलब उसी एप्लीकेशन के अंदर सारे लाइव टीवी चैनल मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे कि जी हो गया, जी सिनेमा हो गया, जी के जो भी चैनल है आपको G5 पे देखने के लिए मिलते हैं। ये डायरेक्टली आपको OTT एप्लीकेशन पे, जो आपको ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन है, मतलब इंडिविजुअल खरीदने की जरूरत नहीं होती, वो सारे कुछ आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड पिक्चर की बात करें, यहाँ पे ये G5 के पार्ट है, तो वहाँ पे इस तरीके से OTT एप्लीकेशन, मतलब ओवर दी OTT एप्लीकेशन रन अप करवाते हैं। तो यहाँ पे ये मतलब आप बेनिफिट भी कह सकते हैं और ये प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, क्योंकि OTT सब्सक्रिप्शन नहीं है तो वहाँ पे प्रॉब्लम है, लेकिन आपको मिनिमम 12 OTT एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। और यहाँ पे हम बात करें जैसे कि ये जियो गेम्स चैनल कैसे हो सकता है, क्योंकि आप गेम खेल सकते हैं। अच्छा, ये लाइव स्ट्रीम भी प्रोवाइड करवा रहे हैं गेमर्स की, ये तो अच्छी बात है। मतलब एक तरीके से अपना खुद का चैनल बनाया, उसे प्रमोट भी कर रहे हैं। और ये कलर्स सिनेमा क्या है, सिनेमा प्लेक्स HD, तो डबल अटैक, ये डायरेक्टली यहाँ पे HD चैनल है, तो आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ये क्योंकि आ जाता है Vicon 18 का पार्ट, और जियो सिनेमा जो है और जियो और रिलायंस जियो, वो सब कुछ एक है, तो इसलिए डायरेक्टली लिंक देता है ये, ओवर दी OTT नहीं देता। मतलब आपको बूट या जियो सिनेमा पे नहीं जाना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ये सारे चैनल अभी तक हम अराउंड, मुझे लगता है कि मैं 100 चैनल क्रॉस कर गया हूँ जिस तरीके से भाग रहा था नीचे। और यहाँ पे आप देखेंगे ये संबे भरम्बा ऐसे कुछ है चैनल, देखें इस पे क्या आ रहा है। मतलब ये चैनल नहीं है, ये कुछ ऐसी खाली है, ये जैसे कि आ गया Studio 1। यहाँ पे मैं इसे, यहाँ पे मैं ऑन कर रहा हूँ, एक्चुअली हो नहीं रहा, लेकिन होना चाहिए था। इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही इनकी, क्या मैं पीछे चला गया हूँ कुछ। हम बहुत सारे चैनल क्रॉस कर रहे थे, वो मैंने सीरीज भी देखना भूल गया, वो 400 की चल रही थी या 600 की चल रही थी, कहीं कहीं थे शायद, हाँ यही थे। जल्दी पहुंच गया क्योंकि मैंने होल्ड करके रखा था। तो यहाँ पे हम बात करें, अच्छा ये चैनल पहले नहीं दिखा रहा था, जैसे कि FM के भी चैनल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, और यहाँ पे नॉन इन्फॉर्मेशन दिखा रहा था, लेकिन अब आ रहा है ये समयम प्रभावन। तो यहाँ पे मैं करूँ तो, हाँ ये उदित्वाच विकल्पम बाधित्वा ग्रीवस्तयोः द्वे। संस्कृत में है, और ये नहीं चल रहे हैं चैनल, जो इन्फॉर्मेशन नो इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो चैनल वर्क नहीं कर रहा है। इस पे भी देखते हैं, नहीं ये भी नहीं चल रहे हैं। मैं बहुत चैनल नीचे जा चुका हूँ एक्चुअली, लेकिन जैसे कि मैं इसे प्ले करूँ नहीं चल रहे हैं, कुछ इशू है जो इस पे सेट नहीं हो रहा, लेकिन शायद हल्के हल्के इन्फॉर्मेशन अपडेट हो रही हो, तो क्योंकि मैं बहुत स्पीड से नीचे गया था। मतलब इसमें होंगे 550 टीवी चैनल का जो क्लेम है वो आपको एक्चुअली देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे बात करी जाए तो ये जिस पे आ रहा है वो तो चलेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कोई, ये स्टार मैक्स, तो लूसीफायर चल रही है इसमें वो भी, तो दीजिए ये आपको देखने के लिए मिल जाता है। और जैसे कि अभी हम 400 की बात कर रहे थे तो ये नहीं चल रहा था, लेकिन यहाँ पे चल रहा है ये। और स्टार स्पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे, क्योंकि ये ओवर दी वो चलेगा, मतलब मैं बात करूँ हॉटस्टार, तो यहाँ पे ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि सर हम स्टार स्पोर्ट्स 1 नहीं देख पा रहे, IPL मैच नहीं देख पा रहे, क्योंकि आपने हमारी रेगुलर वीडियो देखी होंगी तो आपको वहां पे मालूम चलता होगा कि मतलब जो स्टार स्पोर्ट्स ने जो वो लिया है, मतलब स्टार इंडिया ने जो कॉपीराइट लिए हैं
आईपीएल मैच के, वो सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग पे लिए हैं कि वो डायरेक्ट टू ओवर द डीटीएच दे सकता है या ओवर द आपको केबल लाइन दे सकता है, लेकिन डिजिटल कंटेंट पे सिर्फ जियो का हक है तो इसलिए वहाँ पे नहीं लिख के आता, तो ये थोड़ा सा इशू रहते हैं। लेकिन चैनल चल रहे हैं, यहाँ पे मैं कहूँ आपको 500 550 लाइव टीवी चैनल देखने के लिए मिलते हैं, एक अच्छा ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। और हम बात कर रहे थे कि ओटीटी बंडल की, तो हॉटस्टार देखने के लिए मिलता है, YouTube का नॉर्मली है, आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो वर्क करेगा, नहीं तो YouTube चलता ही है। G5 हो गया, मैंने सिटी मतलब डिस्कवरी प्लस यूज़ करके नहीं देखा है, तो मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कि इसका सब्सक्रिप्शन मिलता है क्योंकि उसमें दे रखा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिल जाता है, नहीं तो यहाँ पे क्या कह देता कि प्ले, मतलब सब्सक्रिप्शन के लिए कह देता और ये नंगे घूम रहे इसके अंदर, तो मतलब चल रहा है ये। तो इस तरीके से आपको एक प्रॉपर तरीके से लाइव टीवी चैनल का पूरा बंडल, लाइव टीवी ओटीटी बंडल सब कुछ मिल जाता है, एक पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन, वो भी सिर्फ आप जो नॉर्मली ब्रॉडबैंड लगवा रहे हो उसमें 200 रुपये एक्स्ट्रा, जैसे कि 399 रुपये का प्लान है 30 Mbps के लिए, लेकिन आपको जियो जो मतलब चार्ज करता है वो 599 करता है, 200 रुपये इसी के लिए लेता है, जिसमें डिवाइस भी देता है, 4K HD रेजोल्यूशन भी देता है और सब कुछ आपको बेस्ट देखने के लिए मिलता है। तो जो डाउट था वो क्लियर हो गया है, और जो लाइव टीवी चैनल का इशू था, तब तक आपकी सिटी में मतलब सर्कल्स के अंदर IPTV नहीं मतलब रनअप होता है तब तक ये वर्क नहीं करेगा। और जियो टीवी में नॉर्मली गाइड में जाके आप चैनल के नंबर वंबर सब कुछ डाल के आप नॉर्मली लाइव टीवी चैनल का एंजॉयमेंट ले सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।